हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से लड्डू गोपाल विथ मम्पी। तो मैं आपका आज आपका आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा क्या है, लड्डू गोपाल के स्पेशल फर्नीचर्स की कलेक्शन मैं लेकर आ गई हूँ। तो आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्नीचर हैं और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा आज का वीडियो। तो बने रहिए फ्रेंड्स आज के वीडियो के साथ। चलिए आपको दिखा देती हूँ, पहले आपको दिखा देती हूँ मेरा लड्डू गोपाल का दीवान जो मैंने कारपेंटर से बनाया है। फुल्ली वुडन का है, शाल काट का है, ये देख लीजिए आप लोग। देखिए इसका पूरा लुक मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए इसका लुक पूरा इस तरह से है और ये गद्दा भी मैंने ऑर्डर देके बनवाया है। देखिए यहाँ पर चेन लगे हुए हैं, यहाँ चेन लगे हैं। देखिए आप इसको ओपन कर सकते हैं और फिर इसको ये कवर को आप वॉश आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको ये खुल के भी दिखाती हूँ कि इसका अंदर का डेप्थ कितना है और क्या है। देखिए इसके अंदर मैं ठंडी के टाइम के कुछ जो रज़ाई वगैरह होते हैं लड्डू गोपाल के, मैंने ये सब यहाँ पर रख रखे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर रख रखे हैं और उनके कुछ ज़रूरत के सामान भी जो एक्स्ट्रा होते जाते हैं मैं यहाँ रखती हूँ। यहाँ बहुत ही जगह है, बहुत सा सामान अट जाता है, आप देख ही सकते होंगे। यहाँ पर और भी जगह है कि जहाँ पर और भी सामान अट जाएंगी वो भी आराम से। अब मैं देखिए इसे बंद कर दूँगी, यहाँ से इसे पकड़ के ऐसे ओपन होता है और ऐसे बंद होता है, तो पूरा इसका लुक इस टाइप से आता है। देखिए और इसी के साथ मैंने और एक बनवाया था लड्डू गोपाल का सोफ़ा सेट, आप ये भी देख लीजिए। देखिए लड्डू गोपाल का सोफ़ा सेट है, ये भी फुल्ली वुडन का बनाया हुआ है और शाल काट का बना हुआ है। ये भी फुल्ली वुडन है और शाल काट का बना हुआ है। देखिए इसका मैंने इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन मैच करके ही बनवाए थे कि लुक अच्छा आए और देखने में भी सोवर लगे। देख लीजिए ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। तो मैं अभी इसमें गद्दे लगा दूंगी और इसका सेट का मैंने पिलो बनाया था, यह है उसका पिलो। ये दोनों पिलो है, इसके साथ ही मैंने बनवाए थे। और देखिए इसमें जो अभी बेडशीट लगे हुए थे वो कुछ इस तरह के हैं, ये कॉटन बेडशीट है, प्योर कॉटन है। मैं ये सब बेडशीट अपने हाथों से बनाती हूँ, वैरायटी टाइप का बनाती हूँ। देखिए ये मैंने ओढ़ने के लिए रखा था, ये कुछ कार्टून प्रिंट का है क्योंकि बच्चों के सामान में अधिकतर देखिएगा कार्टून प्रिंट ही लगे होते हैं। और इसके साथ मैंने ये मसलन बनाए थे, ये भी इसी कपड़े से बने हुए थे बट मैंने इसके ऊपर कलरफुल कपड़ा कॉटन का लगा दिया है। देखिए ये दो हैं, ये दो हैं, मैंने सेट बनवाए थे, पूरा सेट बनाया था, गद्दा का, पिलो का एंड साइड पिलो का। और ये देखिए सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आज का वो है ये दो कुशंस। देखने में तो ये पूरा कुशन लगते हैं लेकिन है ये कॉइन बैग, है ना इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। देखिए इसमें मैंने रुई रख रखे हैं, इसके अंदर रुई भर के रखे हैं मैंने इसके अंदर। तो ये है ना बहुत ही क्यूट सा दो पिलो, सॉरी दो कुशंस। देखिए दो कुशंस, देखिए है ना इंटरेस्टिंग चीज़। तो देखिए ये जो सोफ़ा है इसका ये गद्दा है, ओके, मैंने ये गद्दा बनाए हैं अपने से, ये गद्दा मैं फिट कर देती हूँ, इसके ऊपर कोई कॉटन कवर वगैरह लगा देती हूँ। और इसका भी कवर मैंने आज धुला है, इसका भी कवर है। देखिए ये बेडशीट है कॉटन के, मैं जो भी बेडशीट्स बनाती हूँ टू टू पीस बनाती हूँ क्योंकि एक मैं बिछा देती हूँ और मैं एक ओढ़ने के लिए रख देती हूँ। और देख लीजिए मेरे आज बेडशीट के कलेक्शंस, एक तो मैंने ये दिखाए इसके सेट्स और एक मैंने ये दिखाए, ये भी दो हैं। और देखिए ये बेडशीट है, देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है
और प्योर कॉटन का है ये, बहुत ही सॉफ्ट और प्योर कॉटन का आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्योर है और प्योर कॉटन का है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो आगे चलते हुए दिखाते हैं आपको। देखिए ये बेडशीट मैंने ये एक बनाया है और एक ये, एक बिछाने के लिए एक ओढ़ने के लिए। देखिए देखिए ये है चेक्स में और ये है पिलो कवर। देखिए ये है पिलो कवर्स। मैं जो भी बेडशीट्स बनाती हूँ उसके साथ मैं पिलो कवर्स ज़रूर ही बनाती हूँ, क्योंकि वो सेट और भी अच्छे से उभर के आते हैं। देखिए ये है कुशन कवर, ये कुशन कवर है और ये पिलो भी मैंने बनाया है। देखिए देखिए ये पिलो है, ये साइड पिलो है, इसका सेट था और एक कहीं चल गए। ये देखिए, और ये जो मैंने बेडशीट्स बनाए हैं कुछ डिफरेंट स्टाइल के और डिफरेंट डिज़ाइन के बनाए हैं। देखिए ये कुछ झालरदार हैं, जिससे कि पहले राजा महाराजाओं के हुआ करते थे। हाँ जी, उसी टाइप के हैं ये। देखिए इसमें बहुत से झालर लगे हुए हैं, वो भी मीही से। इसको मैं जब बेड में डालती हूँ ना, तो ये पूरा नीचे तक आ जाता है, जैसे पहले हुआ करते थे। देखिए देखिए ये एक बेडशीट है, लेकिन मैं इसे ओढ़ने के काम में लगाती हूँ। और वो जो मैंने कार्टून डिज़ाइन में दिखाया उसी का और एक ये दूसरा पीस है। देखिए और एक ये दूसरा पीस है और इसका ही पिलो कवर है ये। देखिए पूरा कार्टून डिज़ाइन में बनाया हुआ है और वो जो दिखाए पहले बेडशीट का, देखिए और एक पीस है ये, और एक पीस है। और ये जो है ये मैं ओढ़ने के लिए, ये कुछ डिफरेंट स्टाइल में है, इसे मैं एम्ब्रॉयडरी करके बनाई हूँ। देखिए और साइड में किनारे में मैंने कॉटन का लेस लगाया है इसमें। और आज का बेडशीट इतना ही है। अब आपको दिखाएंगे हम खटिया की सेट। देखिए मेरे पास दो खटिया है, क्योंकि मेरे तो दो लड्डू गोपाल है ना, काजू और चेरी, तो उनके लिए ये दो खटिया हैं। इसे मैं गर्मी में भी उनको इत्र सेवा भी देती हूँ, इसमें लटा के इत्र का मालिश करती हूँ, और ठंडी में जब मैं तेल की मालिश करती हूँ तब इसी में सुला के मालिश करती हूँ। और कभी कभी ठंडी में जब वो आग सेकते हैं, जब वो सीत लेते हैं, तब भी इसी में सुला के मैं करती हूँ, इसी में बैठ जाते हैं। इसी में बस एक गद्दा लगा देती हूँ, सॉफ्ट सा पतला सा, बस वो आराम से इसमें बैठ जाते हैं। आई होप ये आप अच्छे से देखे होंगे, और आज का जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये चेयर। देखिए दोस्तों ये जो चेयर है ये रॉड से बनाए हुए हैं, और इसमें जो धागे, वो जो रस्सी टाइप के कलर्सफुल है, देखिए इसमें कितनी अच्छी कारीगरी किया हुआ है, हाथ से देखिए कितनी अच्छी कारीगरी किया हुआ है, देख लीजिए। और इसमें ये वुडन का दिया हुआ है और प्योर रॉड का है, ये प्योर हार्ड है। आपको मैं थोड़ा दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से लड्डू गोपाल इसमें बैठ के मेरे झूलते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए ये झूलते तो हैं, लेकिन इससे लड्डू गोपाल गिरेंगे नहीं। ये बहुत ही मजबूत है और इसका होल्ड भी बहुत अच्छा है। देखिए फिर से है ना यूनिक चीज। तो और एक देखिए, ये मैंने रात को सुलाने के लिए ये एक गद्दा है। देखिए ये एक गद्दा है, देखिए रात को सुलाने के लिए इसमें ऐसे चेन ओपन होता है, चेन ऐसे ओपन होता है इसका। इसका देखिए ये तकिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये मेरे पास दो कलर में है, देखिए एक ऑरेंज एक रेड, क्योंकि आप तो जान ही गए होंगे कि मेरे दो लड्डू गोपाल हैं। और देखिए और एक चीज़ देखिए, ये है एक टोकरी डिज़ाइन किया हुआ है। मैं जब भी इसको फ्रेंड्स के घर में जाती हूँ, लड्डू गोपाल को मंदिर वगैरह घुमाने के लिए कभी लेके जाती हूँ, उनके लड्डू गोपाल के फ्रेंड्स के जब बर्थडे वगैरह होते हैं तो लेके जाती हूँ ना, तब इसी में बैठा के लेके जाती हूँ। अंदर एक गद्दा डाल देती हूँ, पीलो मसलन ये सब लगा देती हूँ, कुशन वगैरह लगा देती हूँ, आराम से उनको बिठा देती हूँ इसमें, और आराम से मैं लेके चल जाती हूँ। उनको भी दिक्कत नहीं होती, वो कम्फर्टेबल से आराम से इसमें बैठ जाते हैं। देख लीजिए इसमें डेप्थ भी इतना है, वो आराम से बैठ जाते हैं। इसमें गद्दा मैं भर के लगा देती हूँ आराम से एक, और वो
कंफर्टेबली इसमें बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके बहुत ही जल्द आपके सामने फिर से आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा, बेल आइकन को दाबना एकदम मत भूलिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, व्यू करके मत जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप साथ में रहिएगा, तब तो मैं आगे आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूँगी। तो फ्रेंड्स, साथ में बने रहिए और अपने घर में स्वस्थ रहिए। नमस्कार।